हम आपको बता दें कि सारा अपने इंडिया रिफंड की स्थिति कैसे जाती है। सारा रिफंड की स्थिति जांच करने के लिए आपको हम कुछ स्टेप्स बताने वाले हैं, इसलिए हमारे वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे कि आपको पूर्ण रूप से पूरी जानकारी हो सके। सारा रिफंड पोर्टल की अधिकृत वेबसाइट www.mokrifund.crcs.gov.in पर जाकर आपको पंजीकृत कराना आवश्यक है। इसको पंजीकृत कराने के बाद आपको लॉगिन करना आवश्यक है। लॉगिन करने की स्थिति में जांच या संपर्क विकल्प मान्य मिलना चाहिए। अपना आवेदन संदर्भ संख्या दर्ज करें, अनुरोध सबमिट करें। पोर्टल आपकी धन वापसी स्थिति प्रदर्शित करेगा, चाहे वो वह स्वीकृत हो, लंबित हो या संशोधित हो। रिफंड के लिए दावा प्रस्तुत करने की सफलता की जांच कैसे करें, तो मैं आपको बता दें कि CRCS प्लेटफॉर्म के लिए पंजीकरण करने के लिए और निवेश जमा जानकारी सहमति डेटा तक पहुंचाने के लिए अपनी आपको आधार से जुड़े बैंक खाते और सेल फोन नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। यदि आपका दावा जमा करने से अधिक है तो आपकी स्थायी संख्या पैन आवश्यक है। 50,000 एक केंद्रीय ऑनलाइन गेटवे है जहां आप एक साथ कई दावे दायर कर सकते हैं और रिटर्न वेबसाइट के माध्यम से सारे दस्तावेज प्रदान कर सकते हैं। प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपना पंजीकरण कराना होगा। जमाकर्ताओं के बैंक खाते में रिफंड राशि का सीधा हस्तांतरण प्राप्त होगा। CRCS सार रिफंड पोर्टल का समय कुल मिलाकर 45 दिनों तक का है। प्रतिपूर्ति का पैसा निस्संदेह 45 दिनों में लोगों के बैंक खातों में भेज दिया जाएगा। CRCS सार रिफंड पोर्टल के लिए दस्तावेज होना का आवश्यक आधार है आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, सदस्यता संख्या, पासबुक, खाता संख्या। सारा रिफंड लाभार्थी सूची अमित शाह ने दिए गए बयान के मुताबिक पोर्टल की शुरुआत लगभग 1 करोड़ जमाकर्ताओं को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि लगभग 1.78 करोड़ छोटे निवेशकों जिनका फंड 30,000 रुपये तक का था, उन्हें उनका पैसा वापस मिल सकेगा, जो कि एक बड़ी उपलब्धि। कुछ साल पहले पूरे भारत में कई लोगों ने सारा कंपनी में निवेश किया था और फिर कई कारणों में उनकी रकम फंस गई। इसके अतिरिक्त व्यक्तियों को अपने सारा रिफंड की स्थिति देखने के लिए पंजीकरण कराना होगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ नई जानकारी, तब तक लीजिए जय हिंद, वंदे मातरम। प्लीज सब्सक्राइब फॉर मोर।